आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति वितरण योजना के तहत प्रदेश के 12.17 लाख लाभार्थियों के खाते में किया 45,866 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण। जनपद के 12,000 छात्र हुए लाभान्वित। सीएम ने प्रदेश के 12 छात्रों से किया वर्चुअल संवाद, की उनके उज्जवल भविष्य की कामना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने गुरुवार को निर्वाचन संबंधित कार्यों की समीक्षा, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का एडीजी जोन सहित आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण, कार्यक्रम के सफल आयोजन के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पोषण समिति की बैठक, कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के दिए निर्देश। जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर गुरुवार को महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम के पार्षदों तथा व्यापारियों की बैठक, कार्यक्रम को सफल बनाने की बनी रणनीति। शासन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश के सभी जनपदों में मास्क लगाना किया अनिवार्य। एसपीसीटी ने नागरिकों से की अपील, कहा घर से बाहर निकलते समय अवश्य लगाएं मास्क, नहीं तो की जाएगी चालान की कार्यवाही। गोरखपुर दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन करेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अब डीटीएच पर भी दिखेगा गोरखपुर दूरदर्शन, भोजपुरी को मिलेगा मंच। जिला प्रशासन ने जनपद के सभी तहसीलों में कोविड 19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्त सेल की स्थापना। एडीएम फाइनेंस ने कोरोना से मृतक आश्रितों के परिजनों से कहा जरूरी कागज के साथ तहसील पहुंचकर करें आवेदन। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज स्मृति तृतीय अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए 7 मैच, विजय खिलाड़ियों को 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे पुरस्कृत। सीएम के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जिला अस्पताल सहित जनपद के 307 केंद्रों पर कुल 33,034 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,408 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 25,626 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज के वार्षिक क्रीड़ा समारोह का हुआ शुभारंभ। शतरंज में निधि त्रिपाठी, बैडमिंटन एकल में अंशी तिवारी तथा बैडमिंटन द्वितीय में मानसी दुबे तथा अंशी तिवारी रही विजेता।